10 नवंबर का दिन धनतेरस का दिन है और धन आपके घर में आए इसके लिए झाड़ू का टोटका बहुत कारगर होता है। झाड़ू इस दिन खरीदी भी जाती है और साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं। बहुत अधिक संख्या में झाड़ू भी खरीदते हैं लोग, एक ये नहीं कि एक ही झाड़ू खरीदी, अनेक झाड़ू खरीदते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करते रहते हैं साल भर तक। लेकिन उनको पता नहीं होता कि झाड़ू अगर निश्चित संख्या हम आपको बता रहे हैं उसी में खरीदना फ़ायदेमंद होता है, वही झाड़ू शुभ और धनप्रद होती है। इस संख्या में आप झाड़ू खरीदेंगे तो अशुभ होती है बल्कि धन का नाश करती है। तो कितनी संख्या में झाड़ू खरीदना शुभ होता है आज के वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें इसी ब्लेसिंग्स को देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन त्रयोदशी का दिन इस बार धनतेरस मनाई जाएगी और वो तारीख है 10 तारीख, लेकिन धन्वंतरि जयंती 11 तारीख को है। कई लोग गलत सलत जानकारी आपको देते हैं और उनके चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, क्योंकि सही जानकारी सटीक जानकारी इस चैनल पर ही दी जाती है और 11 तारीख को पंचांग के अनुसार धन्वंतरि जयंती मनाई जाएगी। उस दिन छोटी दिवाली भी है। अब इसका कोई क्या रीज़न है हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन धनतेरस 10 तारीख को है और धन्वंतरि जयंती 11 तारीख को मनाई जाएगी और इस दिन नरक चतुर्दशी भी है, रूप चतुर्दशी भी है, यानी छोटी दिवाली भी है। तो सम्मिलित तिथि है, आपको इस दिन ये मनाना चाहिए। तो इस बारे में विस्तार से अन्य वीडियो में जानकारी देंगे। विषय पर केंद्रित करते हैं, झाड़ू कितनी संख्या में खरीदें जिससे आपका भला हो जाए। जिस घर में एक झाड़ू खरीदी जाती है उस घर में सूर्य का शासन होता है और उस घर के सदस्य मान सम्मान के भूखे होते हैं, बिन मांगे ही उनको मान सम्मान मिलता है। 2 की संख्या में झाड़ू खरीदने से आपका मन प्रसन्न रहता है और धन का आगमन आपके जीवन में होता है। 3 झाड़ू खरीदते समय ये ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, तब आप 3 झाड़ू खरीद सकते हैं। 4 झाड़ू कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। 4 झाड़ू खरीदने से धन वैभव का नाश होता है, हर काम में बाधा आती है। 5 झाड़ू खरीदने से आपका व्यापार बल्ले बल्ले कर जाता है, चरम सीमा पे पहुंच जाता है, जिससे आपके जीवन में धन का आगमन होने लगता है। 6 झाड़ू बहुत शुभ होती है और इससे शुक्र उन्नत होता है, आपको वैभव प्राप्त होता है, धन संपदा की प्राप्ति आपको होती है। 7 झाड़ू भी भूलकर भी एक साथ नहीं खरीदनी चाहिए। 8 झाड़ू भूलकर भी कभी ना खरीदें, रोग रिपु ऋण बढ़ता है। 9 झाड़ू जिस घर में इकट्ठी खरीदी जाती है उस घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। 10 झाड़ू खरीदना शुभ होता है। 11 झाड़ू भी आप खरीद सकते हैं। 12 झाड़ू भी खरीदना शुभ होता है। कई लोग ऐसे होते हैं 1 दर्जन झाड़ू खरीदते हैं, होलसेल वालों से खरीदते हैं, तो 12 झाड़ू भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आपको फ़ायदा होता है, इससे आपको सूर्य चंद्रमा की ताकत मिलती है और आपके मनोनुकूल काम होने लगता है और आपके घर में पैसा ही पैसा आता है। झाड़ू खरीदने के बाद उस पर लाल धागा या मोली बांधें और विधिवत पूजा करें धनतेरस पर, तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। कितनी भी संख्या में झाड़ू खरीदें, जो संख्या हमने मान्य नहीं करी है उस संख्या में न खरीदें, तो आपका भला हमेशा होता रहेगा, धन का आगमन आपके तिजोरी में हमेशा होता रहेगा। इस दिन कुबेर भगवान का विधिवत पूजन करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। कुबेर चालीसा पढ़ें, कुबेर यंत्र स्थापित करें पूजा स्थान में, श्री यंत्र स्थापित करें, दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। दक्षिणावर्ती शंख थोड़ा बड़ा साइज़ का लें तो तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा साबुत हल्दी लेवें, अपनी विश लिखकर साबुत हल्दी में लपेट दीजिए, आपकी वो इच्छा तुरंत पूरी होगी, धन का सैलाब आपके जीवन में आएगा और कोई काम नहीं बन रहा है वो विश भी आप लिख सकते हैं, वो तुरंत पूरी होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में।